जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, धीरे धीरे गर्मी बहुत बढ़ने लगी है और सारे दिन इतनी तेज धूप होती है कि उसे सह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं, तो लेकिन इन्हें बेचारों को वो धूप का सामना करना पड़ता है। और उनके बचाव के लिए हम कुछ तो कर ही सकते हैं। अगर हमने इन्हें लगाया है, हमने प्लांटिंग की है, हमने गार्डन बनाया है, तो उसकी केयर, उसकी देखरेख करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत अच्छे से प्लांट्स चलें, हेल्दी चलें और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी सी हो, उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए आप मेरा ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, जो यहाँ पर देखिए मैंने ये सारे प्लांट्स एक साथ रखे हुए हैं। ये देखिए ये कुछ रजनीगंधा के बल्ब यहाँ पर लगाए हुए हैं, कुछ बैंगन के प्लांट हैं और हरी मिर्च के प्लांट हैं। और ये देखिए इन्हीं के बीच में मॉर्निंग ग्लोरी भी बहुत अच्छे से मेरा ये लगा हुआ है। और यहाँ पर ये ककड़ी और घिया की बेल लगी हुई हैं। और कुछ ये देखिए यहाँ पर मैंने हैंगिंग बास्केट भी लगाई हुई है। और ये एक सीढ़ी है मेरी लकड़ी की, और उसके बीच में मैंने ये सब रखे हुए हैं। कुछ बीच में है, कुछ सीढ़ी पर मैंने ये हैंग किए हुए हैं और कुछ को इस टाइप से मैंने दोनों पोर्शन पे ये देखिए लकड़ी का फट्टा रख के और इस टाइप से रखा हुआ है। ये मैंने इसलिए लगाया है दोनों के बीच में ताकि अभी कुछ टाइम से कई बार हवा बहुत तेज चलने लगती है आंधी टाइप में, तो ये गिर ना जाए, इस वजह से मैंने इसे लगा दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी ये लगा दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मियों में आप भी अपने प्लांट्स को इस टाइप से लगाएं। ये जैसे एक टाइप से देखा जाए तो ये एक बिल्कुल झुरमुटसा बनकर ये प्लांट्स लगे हुए हैं और काफी बड़े बड़े हेल्दी जो सॉरी बड़े साइज के कट्टे हैं, देखिए मैंने उनमें लगाया हुआ है इनको, और बहुत अच्छे से मुझे इनमें फ्रूटिंग मिल रही है। आप ये देखें ककड़ियाँ, और मैं ककड़ियाँ फ्रेंड्स काफ़ी सारी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और उसके बाद भी मुझे बहुत अच्छे से इसमें फ्रूटिंग मिल रही है। जब इस टाइप से हम प्लांटिंग करते हैं, इनको झुरमुट में करते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे कलरफुल बर्ड्स भी आने लगते हैं, बटरफ्लाई भंवरे वगैरह भी आने लगते हैं। इसी टाइप से ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैंगन, एक ही क्यारी में कितने सारे बैंगन के प्लांट लगे हुए हैं मेरे। और ये देखिए ये हरी मिर्च के कितने सारे एक ही साथ लगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा गैप दे देकर मैंने इन्हें नहीं रखा है, और क्योंकि इनको एक दूसरे की हेल्प से वातावरण मिल जाता है अपने अनुकूल। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये बैंगन के रखे हुए हैं, और कुछ मेरे ये खाली प्लांटर नहीं है फ्रेंड्स, इनमें भी मैंने सीड्स लगाए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये सभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और ये इस पोर्शन की लुक देखिए इस टाइप से चल रहे हैं। और इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेरा अमरूद का प्लांट और ये जेट्रोफा, दो अमरूद के प्लांट हैं मेरे, दोनों ही बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये मोरपंखी, यहाँ पर ये मरवे का प्लांट और ये बनाना प्लांट, और ये यहाँ पर मेरी हरी मिर्च की क्यारी है बीच में। देखिए जिन पौधों को धूप की जरूरत होती है उन्हें धूप में रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप इनको परेशान भी कर देती है, बहुत ज़्यादा धूप से इनको लॉस भी हो सकता है हमें। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर एक अपनी तोरी की बेल लगाई थी जो बिल्कुल मुरझा गई थी, जब दो महीने पहले मैं, डेढ़ से दो महीने पहले मैं आउट ऑफ टाउन गई थी, तो देखिए बिल्कुल मुरझा गई थी। और अब देखिए मैं इस तोरी की बेल की आपको लुक दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी हरी भरी है, कितनी अच्छे से चल रही है। और इससे तोरी भी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, और ये देखिए इसमें और तोरी भी बन रही है, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चल रही है। ये अच्छे से इसलिए चल रही है फ्रेंड्स कि एक तो इसका प्लांटर साइज, दूसरा सॉयल मीडिया, और तीसरा इसका एटमॉस्फेयर, जो इसको हमने वातावरण दिया है वो बहुत अच्छे से है। और मैंने इसे यहाँ से रिमूव नहीं किया था बिकॉज इसमें एक बर्ड ने अपना हाउस बना लिया था, मैंने आपको दिखाया भी था, तो इस वजह से भी मैंने इसको यहाँ से रिमूव नहीं किया था। और ये काफी अच्छे से चल गई थी तो इसे मैंने चलने दिया। इस टाइप से आप अलग अलग पोर्शन बना दें फ्रेंड्स, जिससे कि टेरेस पर गार्डन में घिचपिच भी ना हो और बहुत अच्छे से सेटिंग भी हो जाए। अब एक पोर्शन ये देखिए यहाँ पर ये टिकोमा, और ये मेरे देखिए अदरक के सॉरी हल्दी के प्लांट, और ये मेरे तुलसी हैं और हरी मिर्चों के प्लांट हैं, टर्टल वाइन, बैंगन,
और सभी को देखिए मैंने मिक्स करके किस टाइप से लगाया हुआ है, और सभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और यहाँ पर भी ये देखिए थोड़ा सा गैप दे दिया है। गैप देने के बाद, गैप इसलिए दिया है फ्रेंड्स ताकि अगर वाटरिंग करनी है और इनको गुड़ाई वगैरह करके और इनमें वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह कुछ भी फर्टिलाइजर डालना है तो उसके लिए थोड़ा सा गैप दे दिया है ताकि उससे भी दिक्कत ना आए। और ये देखिए ये मेरा चीकू का प्लांट, ये देखिए कैसे इसकी ब्रांचेस ऊपर निकल गई हैं, काफी अच्छे से चल रहा है ये। लेकिन वही है कि भी फ्रूटिंग इसमें मुझे नहीं मिली है, और 3 साल का मेरा ये प्लांट हो गया है। बर्ड्स इसमें बहुत बनती हैं और वो बर्ड्स ये देखिए ये लीव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, लेकिन मेरा प्लांट हेल्दी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, ये बैंगन के 4 प्लांट मैंने यहाँ पर रखे हैं और 4 यहाँ पर रखे हुए हैं और 4 यहाँ पर रखे हैं। ये देखिए इसी टाइप से मैंने अपने प्लांट्स को रखा हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए ऊपर यहाँ पर सेटिंग करके मैंने यहाँ पर भी प्लांट्स रखे हुए हैं। और यहाँ पर अब थोड़ा सा हाइट पे ये देखिए मैंने ये 4-5 प्लांट यहाँ रख दिए हैं। और एक पोर्शन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और जगह भी मैंने उतनी छोड़ी हुई है फ्रेंड्स, ये देखिए कि यहाँ से वाटरिंग वगैरह हो जाए और कोई चीज इनकी मतलब कांटे वगैरह भी होते हैं कई प्लांट्स में तो वो भी हमें हाथ पाँव में ना लगे। एक देखिए यहाँ पर ये पोर्शन बना दिया है। ये मेरे पास एक थर्माकोल का बस ढांचा पड़ा हुआ था, इसमें वॉशिंग मशीन आई थी तो इसको इसके ऊपर इसको पलट कर ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें ये अपने प्लांट्स रख दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पर एक पोर्शन यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये गुड़हल के प्लांट का, और ये गुड़हल और अलमंडा मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये देखिए किस टाइप से मेरे प्लांट्स सभी रखे हुए हैं, मैं सभी को ऐसे ही रखती हूँ। और ये देखिए ये मेरी घिया की वाइन, और ये भी एक काफी बड़े कट्टे में मैंने लगाई हुई है और ये भी बहुत हेल्दी चल रही है, काफी इसमें आप घिया देख सकते हैं, घिया भी छोटी छोटी हैं, घिया बड़ी नहीं हुई है। इसी टाइप से यहाँ पर भी, और कुछ मैं अभी सैपलिंग रेडी कर रही हूँ और जैसे वो सैपलिंग रेडी होंगी तो वो भी मैं रिपोर्ट कर दूंगी जो मेरे खाली प्लांटर्स हैं। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट के लिए थैंक्स एडवांस में। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ ये मैंने सीड्स लगाए थे और ये भी अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं यहाँ पर भी इस ग्रो बैग में भी, और कुछ हो गई है कुछ होने बाकी हैं। इतनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी बर्ड्स आने लगती हैं फ्रेंड्स ये झुरमुट देखकर, और इनके बीच में कहाँ पर छिपी हुई हैं पता नहीं लगता है, सिर्फ आवाजें आती हैं इनकी, बहुत अच्छी बहुत मधुर इनकी आवाज आती है तो उसी से पता लगता है कि इनके बीच में बर्ड हैं। और जब वो उड़ने लगती हैं तब एकदम से अट्रैक्ट करके उड़ती हैं और पता लगता है कि हाँ यहाँ पर बर्ड्स बैठी थी। और ये देखिए फ्रेंड्स अब ये जैसे ये देखिए मेरी तोरी की बेलें हैं और यहाँ पर ये बहुत अच्छे से चल रही हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ये मेरा जो प्लूमेरिया का प्लांट है ये देखिए, और ये इस पर मैंने घोंसला लगाया था, और इसमें ये देखिए नीचे साइप्रेस और साइप्रेस को फ्रेंड्स मैंने देखिए अभी देखा, ये देखिए कैसे यहाँ पर जो मेरे ये सदाबहार के प्लांट्स रखे हुए हैं इनमें इनको ये देखिए इनमें उलझ के और कैसे ये तोरी की बेल में भी उलझ कर ऊपर की ओर चल पड़ी है। मैंने भी इसको अभी देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड्स बाद में अभी देखिए रंग बिरंगे फूल और एक साथ खिले तोरी के येलो फ्लावर्स होते हैं उसमें फ्रूटिंग भी होती है, और साइप्रेस के लुक लाइक जैसे थोड़ा सा पिंकिश थोड़ा सा रेडिश कलर में है, और सदाबहार के जब ये फ्लावर्स मिक्स होकर फ्रेंड्स एक जब ग्रुप में खिलते हैं ना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इतनी सुंदर इनकी लुक होती है। और जब इन्हें रिमूव करने का समय आएगा तो फ्रेंड्स कुछ प्लांट्स जो सीजनल हैं वो अपने आप सूख जाएंगे तो इतनी ज्यादा मशक्कत इनके साथ नहीं करनी पड़ेगी, और बहुत अच्छे से ये इसी टाइप से अच्छी सी लुक देते रहेंगे, अच्छे से ये चलते रहेंगे। ये देखिए तोरी तोरी मैंने काफी सारी हार्वेस्ट की है और ये थोड़ी छोटी थी ये छोड़ दी है मैंने, और बैंगन में भी काफी अच्छे फ्लावर्स बनने लगे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स छोटे जो प्लांट हैं
उन्हें मैं यहाँ रखे हुए हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी सीड्स लगाए थे 4 o'clock के, तो ये भी मैंने यहाँ आगे रखे हुए हैं। कुछ प्लांट्स को मैं इस टाइप से आगे रख दिया है, ये देखिए। और अब यहाँ पर देखिए, ये भी मैंने सब इकट्ठे यहाँ पर लगा दिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से मतलब सेटिंग की हुई है, इनको ग्रुप में रखा हुआ है मैंने डिवाइड कर करके, और बस इनको एक दूसरे की हेल्प मिलती है, एक दूसरे से इन्हें छांव मिलती है। अब टर्टल वाइन है, ये देखिए टर्टल वाइन को मैं कहीं छांव में नहीं रख सकती थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे रखा है। और कुछ ये नींबू के प्लांट से जैसे छांव रहती है, तो बस छाया में ये इस टाइप से थोड़ा सा रखा रहता है, थोड़ी बहुत इन्हें धूप मिलती रहती है। ये देखिए एक यहाँ पर मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और जिनको थोड़ा सा और ज्यादा छांव की जरूरत थी, उन्हें ये देखिए मैंने रख दिया है। इनमें हमेशा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत देर की धूप इनमें भी लगती है। और यहाँ पर ये देखिए, ये साइप्रस, एक और मेरा साइप्रस भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये देखिए, ये एलोवेरा और पेटूनिया के बीच में ये मेरा एलोवेरा चल रहा है, और इसको मैंने यहाँ रेलिंग पर लगाया हुआ है, रेलिंग पर बहुत अच्छे से चल रहा है ये। आइए अब मैं आपको ऑल ओवर लुक दिखाती हूँ अपनी गार्डन की। ये देखिए सभी ग्रुप में डिवाइड हैं, बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छा मतलब कूल सा रहता है फ्रेंड्स टेरेस पर जब भी आओ ना, और वो सब इन्हीं प्लांट्स की वजह से ही रहता है। एक तो हमारे टेरेस की क्लीनिंग भी हो जाती है, सेटिंग भी हो जाती है, और बहुत अच्छा हमें फ्रूट्स और सब्जियां और बहुत अच्छी ग्रीनरी और बहुत अच्छे फ्लावर्स और बहुत अच्छा सा बड़ा प्यारा सा हमें एटमोसफेयर भी मिल जाता है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई अननोन भी कोई आते हैं टेरेस पर, मेरे जैसे कोई रिलेटिव आते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में आते हैं, तो रियली देखकर बोलते हैं वाह बहुत सुंदर गार्डनिंग की हुई है आपने। तो फ्रेंड्स आप भी इन्हें ग्रुप में डिवाइड करके इसी टाइप से लगाएं, एक दूसरे की हेल्प से ये बहुत अच्छे चलते हैं। और इनको थोड़ा सा केयर करें इनकी, इनमें समय समय पर वर्मी कम्पोस्ट, गोबर की खाद और जो फर्टिलाइजर है वो भी डालते रहें। मैं गर्मियों में कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो किचन वेस्ट का जो जितने भी पील्स होते हैं उन सभी को बकेट में रख के और वाटर उसमें ऐड करके बस वही मैं डालती रहती हूँ। डेली इतने पील्स निकलते हैं खरबूजे के, आम के, तरबूज के, सब्जियों के, तो सभी को थोड़ा थोड़ा मतलब आज जैसे 8-10 गमलों में डाल दिया, नेक्स्ट डे फिर 8-10 गमलों में डाल दिया, इस टाइप से मेरा रूटीन चलता रहता है। और बहुत ज़्यादा बड़ी बकेट नहीं है, सिर्फ 25 लीटर की मैंने बकेट रखी हुई है, तो बस उसी से ये सब मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। अगेन रिक्वेस्ट फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।